हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास गुरु सेवक सिंह किंगरा, मीत मैनेजर तख्त श्री दमदमा साहब, तलवंडी साबो। हाँ जी, हाँ जी, सेवा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के जो लिखणसर गुरद्वारा साहब न, जिथे बैठ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी अपने कंठों चार के एक ओंकार तो 18-10-20 तक लिखवाई, और उस तो उपरंत जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल भाई मणि सिंह बाबा दीप सिंह जी लिखारी सन, उन्होंने लिखारी ला के ये बाणी लिखाई। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन स्वरूप संपूर्ण होने तो उपरंत जो बची हुई शाही ते कलमा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वचना मुताबक इस सरोवर के पाए, और महाराज साहब जी ने वचन किया भी जेड़े भी इत्थे मोटी बुद्धि वाले बैल बुद्धि वाले ढोर दिमाग दे होणगे, जे वह 35 पाउणगे इशनान करनगे सरोवर के उत्ते, तां उन्हां नूं गुरु पातशाह अकाल पुरख की कृपा सदका विद्या दे दान प्राप्त होगी। इह उह सरोवर है जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी कंठों गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पहला सुबह अपना बाणी सुनाउंदे सी, फिर उस तो उपरंत उस बाणी की मतलब शाम को कथा करते सी, ते 48 सिंघां ने इस स्थान के उत्ते ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की, ते अपना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कृपा सदका अज इस सरोवर के उत्ते सेवा का जो अपना मलबा थोड़ी जी जिवें आपां कह दईए भी गार सी थोड़ी जी हो गई सी, उहदे वास्ते मतलब दिक्कत आउंदी सी भी रेता घट्टा थोड़ा ज़्यादा सीगा। अज साडे इलाके च तलवंडी साबो इलाके तो पिंड कैलेबांदर नसीबपुरा उत्थों की संगत आई है, तो एक हरियाणे जो जिला सरसा पिंड थराज तो संगत आई है सेवा करने वास्ते, तो असी धन्नवादी हाँ। उपराला सर सिंह साहब जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, साढ़े सत्कारयोग मैनेजर साहब सरदार रणजीत सिंह जी, उन्होंने सहयोग सदका असी अज सेवा आरंभ की हैगी। उस तो उपरंत शाम तक यह सेवा लगभग संपूर्ण होने के चांस है, जे सेवा दे विच थोड़ा मोटा टाइम लगता होया कल ते परसों असी सेवा नूं संपूर्ण करांगे। तो इस तो उपरंत लिखण सर तो गुरद्वारा साहब तो उपरंत जो जंडसर गुरद्वारा साहब की सेवा हैगी अगले महीने असी वह भी सरोवर की सेवा करनी है, तो संगतों नूं वध चढ़ के अपील करते हैं कि गुरद्वारा साहब जी के जो सरोवर साहबान उन्हां दी सेवा दे विच वध चढ़ के हिस्सा लैण, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन।